अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ इंजीनियर अहमद मक्की। होपफुली यू आर ऑल गुड। इफ़ दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर विजिटिंग माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है ना, मेडिकल्स का हमने सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, उसके अंदर हमने 6.6 मेडिकल शुरू कर रहे हैं। 6.6 मेडिकल के अंदर वो क्या कहता है, सबसे पहले हम उसका वो पढ़ते हैं गिवन डेटा, उसने क्या कहा हुआ है। वो इसके अंदर कहता है अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या दी हुई है, स्पीड यानी कि वेलोसिटी दी हुई है हमें कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। आगे क्या कहता है, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। ये क्या दी हुई है हमें, फोर्स दी हुई है कितनी, 4000 न्यूटन। अब वो क्या कहते हैं, हमें फाइंड क्या करना है। वो क्या कह रहा है, पावर फाइंड करनी है हमने। अब एक बात याद रखनी है आपने, इनकी पावर फाइंड, बिल्कुल इनकी पावर फाइंड करनी है। पावर का फार्मूला आपने याद रखना है, P = FV। ये आपकी बुक के ऊपर ही है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रूव करके आता है, तो ये आप बुक के ऊपर लिख लो, पीछे लिख लो या यहाँ लिख लो, P = FV। ये फार्मूला होता है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप इसकी डेरिवेशन जो है सेकेंड ईयर के अंदर जाके पढ़ोगे। P = FV हमारे पास आ गया। अब हमने जस्ट क्या करना है, सिंपल इसकी वैल्यूज पुट करनी है। फोर्स की क्या वैल्यू हमारे पास, 4000 न्यूटन, और वेलोसिटी की क्या है हमारे पास, 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही है, फोर दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा हमारे पास, 16000 वॉट आएगा। पावर वॉट क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, जो वॉट क्यों लिखा है, क्योंकि पावर का यूनिट वॉट होता है। लिखिए हमारे पास आ गया power = 16। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16000 को हम क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16000 किलो वॉट। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट मेडिकल, 6.7 मेडिकल। अब इसके अंदर वो क्या कहता है, वो कहता है अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। यानी कि फोर्स कितनी चाहिए, कह रहा है 300 न्यूटन, वो फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन की फोर्स। नेक्स्ट क्या कहता है वो, थ्रू 50 मीटर। 50 मीटर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, ऐसे ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहता है वो, इन 60 सेकेंड्स, टाइम भी दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हमने, बताओ क्या कह रहे हैं, क्या फाइंड करना है, पावर फाइंड करनी है हमने, फोर्स पावर फाइंड करनी है। फोर्स दिया हुआ है उसने, डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। वो कहते हैं आपने पावर फाइंड करनी है। अब पावर कैसे फाइंड करनी है, उसका फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा। हाँ, लेकिन ये जो है किस फार्मूले से आए कि हमने ड्राइव किए, जो मेन फार्मूला है ना पावर का, वो है P = W/T। ये है हमारे पास असल फार्मूला, W/T, Work/T। अच्छा, यहाँ टाइम तो दिया हुआ है, वर्क दिया हुआ है वहाँ पे, तो हम वर्क कैसे निकालेंगे। आगे वर्क का फार्मूला क्या होता है, F into S, बिल्कुल सही कहा, F into S/T। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, वर्क का फार्मूला है। अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं आपको, ये हमारे पास फार्मूला कहाँ से आया था, F.V। ये फार्मूला आया था हमारे पास, ये देखो, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। पढ़ा था ना फाइंड आपने, टाइम रेट ऑफ यानी कि वेलोसिटी का डिस्टेंस ओवर टाइम क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी, F into V हमने इस वजह से लिखा था। अब यहाँ हमारे पास F है, डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, तीनों की वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। फोर्स का हमारे पास क्या है, 300, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 50, और हमारे पास टाइम क्या है 60। अब इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो, क्या आंसर आता है हमारे पास, 5 × 50 क्या आएगा हमारे पास, 250 वॉट। ये हमारे पास आ गई पावर, जल्दी से नोट कर लो ये। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ये जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर वो क्या कहता है, अ 50 kg मैन। अब वो जो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये मैस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 kg दिया हुआ है। ये हमें 50 kg मैस दिया हुआ है। आगे क्या कहता है, मूव 25 स्टेप्स, यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं वो, कितने स्टेप्स, 25 ये नंबर्स हैं, तो उसके यूनिट नहीं है साथ। अब वो कहता है 20 सेकेंड के अंदर चलता है, तो टाइम कितना दिया हुआ है, 20 seconds। आगे देखते हैं क्या कहता है, फाइंड हिज पावर इफ ईच 6 5 ये नंबर ऑफ स्टेप्स है, मतलब सीढ़ियां हैं कि 25 स्टेप जाएगा ना, वो 25 स्टेप्स ऊपर जाएगा, मतलब 25 सीढ़ियां ऊपर जाएगा।
अब फाइंड पावर इफ ईच स्टेप इज 16 मीटर हाई. अब पावर फाइंड करनी है, फाइंड पावर करनी है, लेकिन उसके डिस्टेंस उसने दे दिया, टोटल सीढ़ियों का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर. तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है उसने, या हाइट कह लो, क्योंकि ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हाइट होती है. तो ये 16 सेंटीमीटर दी हुई है. फाइंड क्या करना है हमने, पावर फाइंड करनी है हमने. अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आगे मूव करने से पहले, इसमें से कोई ऐसी चीज है या ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम चेंज करें, किसी यूनिट को चेंज करें हम? सेकंड सेंटीमीटर को, सेंटी को, सेकंड को नहीं, सेंटी को, सेंटी को मीटर में करना है. अब सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं. डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, कैलकुलेटर में सॉल्व करो, अगर 0.16 आता है वैसे, कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखो ताकि प्रैक्टिस हो. अब जो हमारे पास अगर किलोमीटर होता फिर किससे डिवाइड करते, किलोमीटर होता फिर 1000 से. याद रखनी है दोनों चीजें आपने, अगर किलोमीटर हो 1000 से डिवाइड करेंगे, अगर सेंटीमीटर हो तो 100 से. अब हमने पावर का फार्मूला लगाना है W बाय T. अच्छा यहाँ हम एक बार चीज देखो, यहाँ हमारे पास M है, H है और ये है एंड डिस्टेंस है. अब ये जो हाइट दी हुई है ये बेसिकली वैसे हाइट नहीं है, वो पता क्या कह रहा है कि जो हमारे पास डिस्टेंस है ना ईच स्टेप, ये हमारे पास हाइट नहीं है सॉरी, ये स्टेप का डिस्टेंस ही है. यानी कि वो कहते हैं एक सीढ़ी जो है वो 0.16 मीटर की है, तो 25 सीढ़ियाँ कितने की होंगी, 25 × 0.16 ऐसे ही है. यहाँ मैं लिखना भूल गया, इसके नीचे एक और लाइन लिख लेना, एच इज इक्वल टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई 25, 25 × 0.6. यहाँ मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, 25 × 0.16 ये हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट. ये मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालो. अब ये जो है हमारे पास हाइट आ जाएगी. अब एक चीज़ याद रखनी है, हमारे पास एम भी है, एच भी है, टी भी है, ठीक है. तो यहाँ एफ डब्ल्यू बाई टी जो लगेगा, लेकिन क्या आएगा, 4 आएगा यहाँ पे. एक चीज़ बताओ मुझे, डब्ल्यू बाई टी है, डब्ल्यू का एक और फार्मूला भी होता है एस की जगह, एम जी एच, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच बाय टी. एम की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 50 kg, जी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू होती क्या है 10 होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और एच की वैल्यू क्या दी हुई है हमने निकाली है, हाइट क्या 4 मीटर आ गई हमारे पास, और डिस्टेंस क्या है सॉरी टाइम कितना दिया हुआ है 25. सबकी वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो जल्दी से. शाबाश. एम कितना दिया हुआ है, 50 × 10 × 4 / 20. ये आता है हमारे पास 100 वॉट. सॉल्व कर लो, मैंने वैसे डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर निकालो. अच्छा तो हम अपना लास्ट जो न्यूमेरिकल है वो करने जा रहे हैं, 6.9. इसके अंदर वो क्या कहता है, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 kg. यहाँ क्या दिया हुआ है उसने, मैस कितना दिया हुआ है 200 kg दिया हुआ है. नेक्स्ट क्या कहता है वो, ऑफ वाटर थ्रू हाइट, हाइट कितनी दी हुई है 6 meter. और टाइम कितना दिया हुआ है 10 seconds. फाइंड हमने करनी है पावर, ऐसे ही है. कौन सा पावर का फार्मूला लगेगा, पावर का फार्मूला होता क्या है वैसे, मेन जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W बाई टी हमारे पास फार्मूला होता है. अब W का फार्मूला क्या है हमारे पास, देखो एम एच है, एम जी एच बाय टी, यानी कि सेम वही फार्मूला लगेगा जो हमारे पास पीछे लगा था. तो यहाँ करेंगे एम जी एच बाय टी. एम की वैल्यू क्या है 200 10, और एच की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाई टी, टी कितना है 10. जल्दी से सॉल्व करो, 1200 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 1200 वॉट. ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. तो ये थे बेसिकली आज के हमारे न्यूमेरिकल्स, और इसी के साथ हमारा जो आज का न्यूमेरिकल है वो, आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ है इंशाल्लाह. अब इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट लेक्चर को जो नेक्स्ट होगा वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे. कोई समझ नहीं आती तो हम उससे पूछ रहे हैं. The end. If you want me to ask something about this tutorial or lecture, you can ask me in the comment section. And hey, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Allah Hafiz.